आम ओडिया घरे जिते प्रकार शाग हुए मते लागुनी एते प्रकार शाग आउ किए कोठी खाउथुबो ना कण मो संगरे आपण माने भी सहमत ना। आज मु आपण मानक पई नेकी आछी आळु बढ़ी बैगण सोरिष देकी कोसिला शाग तरकारी बेसी डेरी काई करिबा चालंतु रेसिपी आरंभ करिबा। हेले ता पूर्वरु गोटे अनुरोध, वीडियो जदि भल लागुचे लाइक करंतु, फैमिली फ्रेंड्स का संगे शेयर करंतु, जदि चैनल रे नुआ तहले सब्सक्राइब कर दियंतु। आगे आम सोरिष बटा तैयारी करनवा, तो दुई बड़ चमच कला सोरिष सांगे अध छोट चमच मान जो गोटे बड़ चमच दे नी से अधा मु जीरा देसंगे गोटे छोट रसुण दीटा कंचा लंका आ दीटा शुखिला नाली लंका देद याको आमको गोटे फाइन पेस्ट तैयारी करिवार अछि। तमे मिक्सिंग जार रे पकेइकि टिके बेसी पानी दवा, बेसी पानी देले कौन हबो सोरिष बढ़िया कि बाटी हेइ जिवो, विश्वास करबिनि मैने आपण मानको देखौछि। बहुत लोक कुहंती सोरिष को टिके भाजिकि गरम करिया को पड़े, बहुत लोक कुहंती ताको टिके बतुरैकि रखिया को पड़े, किंतु आपण माने देखिले त सोरिष बटा केते बढ़िया हेइ जाइछि। एते सोरिष त मते दरकार नाही, तरकारी पई गोटे बड़ चमच सोरिष नेइछि से मु किछि पानी देकी माने गिनारे पानी देकी आकु टिके गोळे कि बतुरे कि रखि दबा। सोरिष बतुरे कि रखि देले सोरिष बट्टा को कोन हुए ना आम साग हो कि कोनसी प्रकार बेसर तरकारी करंतु आपण तरकारी पितुलिया लागिवानी, तो 10 मिनिट पई बतुरु थाउ। परिवारि मु जेमति कि कहिले आळु सारु बड़ी बैगण नेछि आ एटा कोसिला सागर जो टिके टिके टाणुआ डांग थिला माने खडा ताको भी नै नेछि। शाग को भल भाव बाछिकी धोईकी चुन चुन काटिकी नहीं नहीं शागर जो खड़ा थिला ताको आपण माने देखिले परिवा संगे नहीं गोटे बड़ चमच आम सोरिष तेल दबा किछि बढ़ी को आगे भाजी नबा। बढ़ी जदि तेल बहुत भल भाव गरम होइछि जम्मा 30-40 सेकेंड निए भाजी हवा को तेल को भल भाव गरम करके लो फ्लेम रे बढ़ी को भाजी नियंतु, बढ़ी पोड़बनि। एबे देखंतु बढ़ी आमर केते बढ़िया लाल लाल हो जाइछि। साग पई एतिकि तेल बहुत बेसी मु सेइथि पई किछि तेल काढ़ी दउछि आउ अल्प टिके तेल रे परिबा दे दबा, परिबा मुताबक लूनो आउ हळदी पकेइ दबा, भल भाव रे मिक्स कर नबा। ढांकुणी लगेकि लो फ्लेम रे आमे याकु सिझिबाकु छाड़ी दबा, परिबा टिके संतुलित हेले बहुत भल लागे। मु याको 5-7 मिनिट पई माने संतुलिबाकु छाडुची, किंतु मझीरे थरे मु चेक करथिली, एबे आपण मानको टोटल 7 मिनिट परे ही देखौची जेतरा सेकंड थर चेक कली। भल भाबरे गोळै सारला परे एथरे आमे टिके बढ़ी पकेइ दबा आ जो सोरिष बटा तयारी करकी पानी परी रखीथिले से पानी उपरु उपरु दबा, किंतु भितरु से कळा चोपा दबानी। याको टिके भल भाबरे मिक्स कर नबा। आगे पानी क्वांटिटी सबुबेले देखिबे, तापर एक्स्ट्रा पानी देबे, नहले बेसी पानी हे गले पुनी असुविधा। जेतले मु पानी आउ गोटी गिना ढाळुथिली आपण माने देखि परथिबे कळा चोपा सब तळे रही गला आ तरकारी बिल्कुल कळा दिसुनी। ढांकुणी लगेकी 5-7 मिनिट पई लो फ्लेम रे टिके फुटेइ दबा आ एबे कण करिबा एथरे अमर जो कोसिला साग रखीथिले आमे ताकु पकेइ दबा। साग सिझिबाकु बेसी समय लागेनी आ परिबा अमर संतुलिला बेले सिझि जाइछि। बढ़ी धीरे धीरे सोरिषर जो पानी पी कि से सीझे तो बास्ना बहुत बढ़िया आसव। शाग को टे भल भाव मिक्स कर नवा और मिक्स करू करू आप देखिपे शाग केमी सांकुरी गला। ढांकुणी लगे कि 2-3 मिनिट पाई आम या सीझा को छाड़ीदे। एबे ढांकुणी खोलिकी आउ ढांकुणी लगेबानी, किंतु आउ 5-7 मिनिट पाई लो टू मीडियम फ्लेम शाग को टे एम फुटेबा, जहाद्वारा कौन हम पानी भी टिके कमीज आउ शाग भी सिझिजीव। आपण मान को शाग तरकारी जी झोल दरकार से अनुसार आप रखिए। शाग तरकारी साधारणतः बेसी पानी बिल्कुल भल लगे से मुझे एमती झुकझुकिया रखी आक कढ़ईरु काढ़ी नौ कहीं कढ़ई में आम फाइनाल छुंका करवा। फाइनाल छुंका नक शागर बास्ना केमी आसव। बढ़ी जो तेल काढ़ रखी से तेल देदी एबे कौन करी देख तो छोट छोट 5-6 रसुण कोला मुझ चोपा छड़ौनी, तार जो ऊपर ऊपर पतला चोपा ताकू दौनी, किंतु छोट छोट खाली रसुण कोला नौ चोपा थिले ना सागरे छिचिकी पकेले बढ़िया बास्ना आसे। आ गोटे कंचा लंका मो परिवार टिके राग खांतिनी, किंतु साग टिके रागवार को भल लगे। जदि आपण मन को भी भल लगे आपण कंचा लंका क्वांटिटी बेसी कम करिपारिबे। तेल गरम हो गलाणी जीरा शुखिला लंकार छुंका दबा,
ଥଳେ ପିଆଜ ପକାଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। ଆଗେ ପିଆଜକୁ ଟିକେ ଖାଲି ଦୁଇରୁ ତିନି ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭାଜି ନେବା ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଆଜ ହାଲକା କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲାଣି। ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ରସୁଣ ଛିଚିକି ରଖିଥିଲେ ଆମେ ତାକୁ ପକାଇଦେବା। ରସୁଣ ପକାଇଲା ମାତ୍ରେ ଆଉ ବେଶୀ ଭାଜିବେନି, ଜମା 5-10 ସେକେଣ୍ଡ ଭାଜିକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମର ଯେଉଁ ଶାଗ ଥିଲା ଆମେ ତାକୁ ଢାଳିଦେବା। କାହିଁକିନା ଶାଗରେ ରସୁଣ ଛୁଙ୍କର ବାସ୍ନାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ସେଇଥିପାଇଁ ବେଶୀ ସମୟ ଯଦି ଆମେ ରସୁଣକୁ ମାନେ ଛୁଙ୍କିବା କି ମାନେ ଭାଜିବା ତାହେଲେ ରସୁଣ ଫ୍ଲେଭର ପଳାଇବ। ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଶାଗ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି, ଖାଲି ଫୁଟଣ ସାଙ୍ଗରେ 2 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦିଶୁଛି ନା, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।